हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का न्यू ओवरटेक में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएसएफ में निकली बम्पर भर्ती की। जी हाँ, बीएसएफ में भर्ती आ चुकी है 10वीं पास पर। अगर आप 10वीं पास है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1100 पदों पर टोटल ये वैकेंसी निकाली जा रही है। बड़ी भर्ती है, ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हैं तो आप इस भर्ती के लिए जा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी के लिए है, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी यहाँ पर 10वीं बेस पर काफी हैंडसम आपको सैलरी जारी है। 81,000 रुपए हर महीने आपको यहां पर सैलरी मिलेगी। जी हां, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पूरी भर्ती की मैं आपको जानकारी दूंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपकी एग्जाम होगी और यहां आपका फिजिकल टेस्ट होगा, और आपकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एक्स वाई जेड टोटल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के लिए आप हमारी इस वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, और इस भर्ती की जानकारी भी आपको हमारी इस वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिस वेबसाइट का नाम है www.tipsviralbuzz.xyz। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो यहां पर जो भी लेटेस्ट भर्ती आती है उनकी पोस्ट हम आपको इस वेबसाइट पर प्रोवाइड कराते हैं। तो इस वेबसाइट पर आप विजिट करें, गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी टॉप पर। ठीक है, तो चलिए सीधा भर्ती की ओर चलते हैं। बीएसएफ में निकली है भर्ती बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। जी हां, हेड कांस्टेबल के पदों पर यह भर्ती निकाली जा रही है, और आवेदन जो है सिर्फ आपको ऑनलाइन करने हैं। ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तभी आप फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, और टोटल वैकेंसी है 1072 पदों पर। जी हां, लगभग 1100 पदों पर यह भर्ती निकाली जा रही है। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जनरल और ओबीसी के लिए सिर्फ 100 रुपए आवेदन शुल्क है, बाकी एससी एसटी और महिलाओं के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है, फ्री में आप आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस का जो पेमेंट का मोड है वो आपका ऑनलाइन ही रहेगा। ठीक है, और एज लिमिट की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25 है, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 18 से 28 है, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 18 से 30 साल है, और आयु सीमा में छूट भी है, जबकि जो कि एज पर गवर्नमेंट सोर्स के अकॉर्डिंग है। क्वालिफिकेशन जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, अगर आप 10वीं पास है, आईटीआई पास है, अगर आप 12वीं पास भी है पीसीएम के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो 14 मई से आवेदन शुरू होंगे और 12 जून तक आवेदन चलेंगे, और आपकी जो ओएमआर बेस का स्क्रीन टेस्ट होगा वो होगा 28 जुलाई को। ठीक है, और यहां पर आपकी पीएसटी और पीटी जो आपकी होगी टेस्ट, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा आपका 9 अक्टूबर को आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और रिटर्न एग्जाम जो होगा आपका फाइनली वो आपका होगा 24 नवंबर को। ठीक है, और फाइनली आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा 30 जनवरी 2020 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिंक्स में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे आवेदन का, नोटिफिकेशन का और वेबसाइट का। जैसे आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे आप सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ जाएंगे। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं इसकी पीडीएफ ओपन है। यहां पर आपको सबसे पहले बता देते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, पूरी प्रक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट फेज में जो होगा रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट अगर आप पास करते हैं तो आपको यहां पर फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपकी लंबाई चौड़ाई और आपके शरीर का वजन लिया जाएगा। उसके बाद में आपकी यहां पर दौड़ होगी, फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आप इन स्टेज को पार करते हैं तो आपका फाइनली होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको यहां पर पास करना होगा। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले आपका डिस्क्रिप्टिव रिटर्न टेस्ट होगा, जो कि 24 नवंबर को होगा। ठीक है, इस प्रकार आपका रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, और यहां पर आपको आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की पूरी जानकारी मिल जाएगी, एज लिमिट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए कि उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी दी जाएगी। ठीक है, और आवेदन करने का पूरा प्रोसेस इस नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटर्न एग्जाम जो होगा उसका एग्जाम का पैटर्न भी यहां पर दिया गया है, किस प्रकार आपके सब्जेक्ट होंगे, किस प्रकार आपके कितने समय किससे कितने सवाल पूछे जाएंगे, कितने घंटे के आपके एग्जाम होंगे, बहुत सारी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। और यहाँ पर फिजिकल टेस्ट के बारे में साफ साफ बता रखा है कि आपकी 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, जो कि आपको 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी यहाँ पर लॉन्ग जंप भी होगी, हाई जंप भी होगी। ठीक है, और फीमेल्स के लिए यहाँ पर काफी ईजी वे में यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। 800 मीटर की दौड़ होगी, जो कि 4 मिनट में पूरी होगी, और यहाँ पर भी आपको यहाँ पर जंप लॉन्ग जंप देनी होगी और हाई जंप करनी होगी। ठीक है, इस प्रकार रहेगा आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार गवर्नमेंट जॉब के अपडेट पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।